हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ने बिहार टीचर का फॉर्म भरने के लिए सीटेट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स आपको पता है जनवरी 2024 था और इससे इसका एग्जाम में हुआ था, उसके बाद लीक हो गया था एग्जाम, तो फिर जुलाई में हुआ था। तो बीपीएससी टीआरई 3 के टेस्ट में आपको बता रहा हूं, एंड टीआरई 4 की वैकेंसी आपको पता है जल्द ही आने वाला है, 2 से 3 महीने में। एग्जाम भी आपको पता है फ्रेंड्स दिसंबर में होने वाला है और जो रिजल्ट है वो आपका लास्ट जनवरी तक जारी हो जाएगा। तो अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हो तो ऐसे में आपको बीपीएससी जो है ना सीटेट में कितने नंबर का रिलैक्सेशन देता है कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूं। और बिहार के बच्चों को बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरने के लिए सीटेट में मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए ये आज के इस वीडियो में आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल पर तो आपको पता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आपको 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। लेकिन बिहार में क्या है फ्रेंड्स, जो फीमेल कैंडिडेट है ना गर्ल्स, उनको फायदा मिला है, बॉयज को नहीं मिला है। जनरल कैटेगरी के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको फ्रेंड्स बिहार में बीपीएससी जो है 82 नंबर पर पास मानता है। सेंट्रल लेवल पर तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें फेल लिखा होगा, लेकिन बिहार में आप पास है उसी के आधार पर आप जो है फॉर्म भर पाओगे और सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको मतलब इलिजिबल किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता लग गया फीमेल कैंडिडेट को इतना फायदा मिल रहा है। तो अब दूसरा मैं बता देता हूं, अब जो स्टूडेंट जनरल से या किसी भी कैटेगरी से जो रिजर्व से है, अगर वो अदर स्टेट से है तो फिर फ्रेंड्स बिहार में जो है ना उनको 82 पर पास नहीं माना जाएगा, उनको 90 पर पास माना जाएगा, क्योंकि बिहार में क्या है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को जनरल कंसिडर किया जाता है, उन्हें जनरल माना जाता है। अब चलिए मैं आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए बता देता हूं। तो अगर आप फ्रेंड्स ओबीसी में, आपको पता है बिहार में फ्रेंड्स ईबीसी और बीसी कैटेगरी आ जाते हैं, तो आपको वहां पर जो है चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, आपको 82 ही लाना पड़ेगा, वैसे सेंटर लेवल पर भी इतना ही लाना होता है। ओके, वहीं पर जो स्टूडेंट एससी से है या एसटी से है या फिजिकल विद डिसेबिलिटी से है, तो इन्हें फ्रेंड्स काफी ज्यादा नंबर का फायदा मिला है, मतलब ये 75 पर ही पास है। देख लीजिए 50% नंबर चाहिए इनको, 150 का आधा कितना होता है 75 होता है, लेकिन सेंटर लेवल पर आपको 82 में पास माना जाएगा। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय अदर स्टेट का टीचर का फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर वहां पर फ्रेंड्स आपको पता है अदर स्टेट में जनरल माना जाएगा, तो 90 लाना पड़ेगा, वैसे केंद्रीय विद्यालय में आपको 82 पर पास माना जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा।